students, welcome to my online tutorial. This is standard 7 subject English literature, chapter 1, topic A Word for Old Wonder, part 5, lecture number 38. Yes students, today we will do some exercises, so without wasting your time, please take page number 11. Page number 11, okay, fill in the blanks. तो इसको आप करेंगे फिल इन दिस ब्लैंक्स विथ वन वर्ड. ऑगस्ट न्यू ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी किड, इसमें ऑर्डिनरी भरिए. हाउएवर ही वॉज, इसमें वॉज भरिए, वॉज ऑर्डिनरी. दिस वॉज बिकॉज ही डिड थिंग्स लाइक अदर किड्स, इसमें किड्स भरिए. व्हेन अदर चिल्ड्रेन सो ऑगस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेयर शॉक्ड भरिए. Via, his sister felt she had to protect him from other people's bad behavior कर सकते हैं. सिक्स्थ में the problem with August was his different face, different वरी. It looked like that because he had multiple surgeries, या multiple भर सकते हैं, या तो 27 भी लिख सकते हैं, 27 surgeries. ओके, एक्सरसाइज नंबर एक का ही है ये. क्वेश्चन आंसर में आइए. क्वेश्चन देखिए, व्हाट निकनेम डिड द किड्स इन स्कूल गिव ऑगस्ट, ऑगस्ट को स्कूल में उनके जो साथी थे क्या निकनेम दिए. उसका आंसर यहाँ पर देखिए, किड्स इन स्कूल निकनेम्ड हिम द जोम्बी किड. तो स्कूल में उनके साथियों ने उसे जोम्बी किड नाम से पुकारा. किड्स इन स्कूल निकनेम्ड हिम द जोम्बी किड. ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड समर लाइक टू स्पेंड टाइम विथ ऑगस्ट, तो समर क्यों पसंद करता था ऑगस्ट के साथ समय बिताने के लिए. उसका आंसर है, समर लाइक टू स्पेंड टाइम विथ ऑगस्ट बिकॉज ही वॉज नाइस किड, तो एक अच्छा बच्चा था. एंड इट वॉज फन टू बी विथ हिम, और उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था. तो समर लाइक टू स्पेंड टाइम विथ ऑगस्ट बिकॉज ही वॉज नाइस किड एंड इट वॉज फन टू बी विथ हिम. ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड समर्स मदर फील व्हेन शी फर्स्ट सो ऑगस्ट, तो समर की माँ कैसे महसूस करती है जब पहली बार ऑगस्ट को देखती है. सी वॉज शॉक्ड, जब देखी तो वो शॉक्ड हो गई, अवाक रह गई. शॉक्ड व्हेन शी सो हिज फेस फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सी वॉज शॉक्ड व्हेन शी सो हिज फेस फॉर द फर्स्ट टाइम. फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड समर से दैट मेड ऑगस्ट फील हैप्पी एंड प्राउड. इस क्वेश्चन का आंसर, द सिंड्रोम विच ऑगस्ट हैड वॉज सो रेयर and it didn't have any name till now. Summer said to August that you are funny, which made August happy and proud. इसका आंसर फिर एक बार देखिए, द सिंड्रोम विच ऑगस्ट है, तो ऑगस्ट जो बीमारी थी और जो सिंड्रोम थी लक्षण, वो रेयर था, बहुत ही दुर्लभ था. एंड इट डिडिंट हैव एनी नेम टिल नाउ, और उसका नाम अब तक डॉक्टरों ने नहीं पता लगाया था. Summer said to August that you are funny, which made August happy and proud. Summer ने जब August को कहा कि तुम बहुत funny हो, तो इससे August को बहुत अच्छा लगा और वो गर्व महसूस किया. तो ये आंसर हो गया. नंबर 12 निकालिए, पेज नंबर 12 का डी का फर्स्ट. डी में क्वेश्चन है, What do you know about August family from this extract? तो August family के बारे इस उदाहरण में क्या जानते हो. उसका आंसर देखिए, ऑगस्ट हैज नाइस पेरेंट्स हु टुक केयर ऑफ हिम, तो ऑगस्ट के बहुत अच्छे पेरेंट्स थे जिन्होंने देखभाल किया. हिज मॉम वॉज चिल्ड्रेंस बुक इलस्ट्रेटर, और उसकी जो माँ थी वो बच्चों की बुक से अच्छी तस्वीरें बनाया करती थी. ही हैज़ वन प्रोटेक्टिव सिस्टर नेम्ड ओलिविया, और उसकी एक बहुत अच्छी बहन भी थी, प्रोटेक्ट करने वाली, रक्षा करने वाली,
नाम है ओलिविया। आंसर फिर मिला लीजिए, ऑगस्ट हैज नाइस पेरेंट्स हु टुक केयर ऑफ हिम। ही हिज मॉम वॉज चिल्ड्रेंस बुक इलस्ट्रेटर। ही हैज वन प्रोटेक्टिव सिस्टर नेम्ड ओलिविया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज ऑगस्ट ए मेडिकल वंडर। क्यों था मेडिकल वंडर? उसका आंसर है देखिए, बिकॉज ऑगस्ट हैज ए रेयर सिंड्रोम विच रिक्वायर्ड सेवरल सर्जरीज टू करेक्ट हिज फेशियल डिसऑर्डर्स एट वेरी यंग एज। आंसर फिर मिला लीजिए, बिकॉज ऑगस्ट हैज ए रेयर सिंड्रोम विच रिक्वायर्ड सेवरल सर्जरीज टू करेक्ट हिज फेशियल डिसऑर्डर एट वेरी यंग एज। ठीक है, ऑगस्ट का जो सिंड्रोम था, लक्षण था बीमारी का, बहुत रेयर था, बहुत ही दुर्लभ था, उसे ठीक करने के लिए कई सर्जरीज करने पड़े और बहुत ही कम उम्र में, तो ये वंडर था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिड समर फाइंड इट हार्ड टू आस्क अगस्त अबाउट हिज अपीयरेंस, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या समर को मुश्किल हुआ अगस्त की अपीयरेंस को लेकर प्रश्न पूछने में? आंसर देखिए, थर्ड, यस समर फाउंड इट हार्ड टू आस्क अगस्त अबाउट हिज अपीयरेंस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ही ट्राइड सेवरल टाइम बट हेजिटेटेड एज ही डिडंट वांट टू हर्ट हिम और मेक हिम सैड। आंसर फिर मिला लीजिए, यस समर फाउंड इट हार्ड टू आस्क ऑगस्ट अबाउट हिज अपीयरेंस। ही ट्राइड सेवरल टाइम, कई बार कोशिश किया था, बट हेजिटेटेड एज ही डिडंट वांट टू हर्ट हिम और मेक हिम सैड। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो क्लास में हम लोग करेंगे, और ग्रुप डिस्कशन से संबंधित कुछ प्रश्न है उसको हम लोग जब क्लास खुलेगी तब करेंगे। तब तक इन प्रश्नों का उत्तर आप याद कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।